और एक चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, आपने भारत को गति शक्ति नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है, सबसे थॉटफुल, सबसे कल्पना शक्ति की योजना है जो भारत के चित्र को बदलेगी। गति शक्ति का एक उदाहरण ये महामार्ग भी है, इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है, इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाना चाहते हैं, उसकी पूरी जगह हमने अधिग्रहित करके रखी है, इसमें हमने मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया है। इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में मैं भारत सरकार का और आपका आभार व्यक्त करूंगा, 2017 में हमने आपसे निवेदन किया कि इसके ऊपर गैस पाइपलाइन बने, आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया, 80% गैस पाइपलाइन का काम हो गया, महाराष्ट्र के 20 जिलों में सीधा गैस सीएनजी उद्योगों के लिए और व्हीकल्स के लिए अब इस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। साथ साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है, वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ जो अंडरसी केबल है जिसके कारण डेटा सेंटर की इकोसिस्टम तैयार होती है, वो पूरा अंडरसी केबल हम इसके माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ ट्रांसमिशन की एचवीडीसी लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, उसका भी कॉरिडोर हमने तैयार किया है, 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर हमने किया है, और अब आपने जो योजना दी है इससे उसको और हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है, यहाँ पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं, अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है, और उसके साथ साथ आपके ही आशीर्वाद से अगले एक महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं, तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज 14 जिले हमने जेएनपीटी पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़चिरौली और गोंदिया को भी जोड़ने जा रहे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेख जानबूझकर करना चाहता हूं, विशेष रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेश्याम मोपलवार होंगे, या हमारे मनोज सौनिक होंगे, हमारे प्रवीण परदेसी होंगे, हमारे गायकवाड़ होंगे, मैं जिनके नाम का उल्लेख नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूं, पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है और इनके कारण ये महामार्ग हो पाया है। और अब अगले पादान पर नागपुर से गोवा, इसी प्रकार का महामार्ग जो मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ को इंटीग्रेट करेगा, इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है।